बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इयाका नाबुदु व इयाका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज की डिस्कशन के अंदर रोल ऑफ क्लोरोफिल एंड अदर पिगमेंट्स इन फोटोसिंथेसिस के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं। आज हम देखते हैं जो क्लोरोफिल है या फिर जो दूसरे पिगमेंट हैं वो फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या रोल जो है वो प्ले करते हैं। अच्छा भाई, आपने याद रखना है कि जब भी प्लांट के ऊपर लाइट हिट करती है तो उसके पास तीन जो है वो रूट होते हैं। या तो वो लाइट लग के रिफ्लेक्ट हो जाए, ठीक है, या तो वो लाइट लग के अब्जॉर्ब हो जाए, या तो वो लाइट लग के ट्रांसमिट हो जाए, यानी कि ये अगर कोई चीज़ है और यहाँ से लगे और यहाँ से निकल जाए। तो प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तब होगा जब प्लांट उस लाइट को क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा। अगर रिफ्लेक्ट हो जाती है फिर भी प्रोसेस नहीं चलेगा, अगर ट्रांसमिटेड हो जाती है फिर भी प्रोसेस नहीं चलेगा, अगर लाइट अब्जॉर्ब होती है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, ये कहता है वो मॉलिक्यूल्स जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं उनको पिगमेंट्स कहा जाता है। अब तक हमने कहा कि पिगमेंट प्लांट को कलर देते हैं, बिल्कुल सही था, इसमें कोई जो है वो गलत डेफिनेशन नहीं है। लेकिन इस स्टैंडर्ड के हिसाब से भी आप इसकी एक्यूरेट डेफिनेशन अपने जहन में बिठा लें कि प्लांट के अंदर वो मॉलिक्यूल जो कि लाइट को क्या करें, एब्जॉर्ब करें, इन मॉलिक्यूल्स को पिगमेंट्स कहा जाता है। अच्छा देखें, प्लांट के अंदर डिफरेंट किस्म के पिगमेंट्स इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि हमारे पास जो लाइट गिरती है ना, जो हम विबग्योर कहते हैं, वो जो सात कलर होते हैं, अब वो जो सात कलर, वो जो सात लाइटें गिर रही होती हैं तो उसमें हर लाइट की जो वेवलेंथ होती है ना, वो अपनी अपनी वेवलेंथ होती है। मिसाल के तौर पर अगर किसी की 10 है तो किसी की 20 होगी, किसी की 30 होगी, इस तरह से। ये मैं एग्जाम्पल दे के आपको समझा रहा हूँ। तो इस तरह से हर वेवलेंथ को एक ही किस्म का पिगमेंट कैच नहीं कर सकता, तो हर वेवलेंथ के लिए प्लांट के अंदर अलग अलग किस्मों के क्या होते हैं, पिगमेंट मौजूद होते हैं। जिस तरह से मिसाल के तौर पे अगर क्लोरोफिल जो है वो 700 की जो है वेवलेंथ को कैच कर सकता है, तो जो कैरोटीनॉइड है जो कि रेड ऑरेंज कलर देता है, वो 700 की को कैच थोड़ी ना करेगा। हो सकता है वो 600 वाली को करे, हो सकता है वो 500 वाली को करे। तो इसलिए प्लांट के अंदर जो है वो मुख्तलिफ किस्मों के पिगमेंट रखे गए हैं। कभी आपके ये जहन में सवाल आता होगा ना कि सर, जब क्लोरोफिल ही था तो दूसरे पिगमेंट्स की क्या ज़रूरत है? तो दूसरे पिगमेंट बेटा इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि प्लांट हर किस्म की लाइट को कैच कर सके, हर किस्म की लाइट को एब्जॉर्ब कर सके और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चला सके। उसके अलावा भी दूसरे पिगमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है क्लोरोफिल की मदद करने में, मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिफरेंट पिगमेंट्स एब्जॉर्ब डिफरेंट लाइट बिकॉज ईच लाइट हैज डिफरेंट वेवलेंथ। हर लाइट की अपनी अपनी वेवलेंथ होती है, तो हर पिगमेंट अपनी अपनी वेवलेंथ वाली लाइट को कैच करता है। और ये कहता है कि यही वो पिगमेंट्स हैं जो कि एनर्जी की एक फॉर्म को एनर्जी की दूसरी फॉर्म में क्या करते हैं, कन्वर्ट करने में मदद करते हैं, और स्पेशली स्पेशली क्लोरोफिल। ठीक है, दूसरे भी होते हैं लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो क्लोरोफिल करता है। अच्छा, ये कहता है कि हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लोरोफिल है और कैरोटीनॉइड जो हैं, वो हमने नीचे थोड़े आपसे जो हैं वो डिस्कस किए हुए हैं। तो ये कहता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिगमेंट्स आर क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्लोरोफिल है और कैरोटीनॉइड है। ठीक, अच्छा, क्लोरोफिल को हम फर्दर फिर डिवाइड करते हैं क्लोरोफिल ए बी सी डी और ई के अंदर। अब आपने सी डी ई के ऊपर तो कोई डिस्कस नहीं करनी, ना उनको जहन में रखना है। ए बी जो है वो इंपॉर्टेंट है और बाज़ औक़ात आप लोगों की पी एम सी की टेस्ट के अंदर भी आ जाते हैं। जो क्लोरोफिल ए है वो कौन सा कलर देता है? ब्लूइश ग्रीन कलर देता है। इसका ये फार्मूला लिखा हुआ है, इसमें कोई समझाने वाली चीज़ नहीं है, आप लोग खुद याद कर लेना। इसी तरह से जो क्लोरोफिल बी है ये आपको येलोइश ग्रीन कलर देता है प्लांट के अंदर। इसका जो फार्मूला है वो भी आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, ये आपने याद कर लेने, ये आप लोगों की पीएमसी की टेस्ट में क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, अब ये तो हो गया क्लोरोफिल के बारे में। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कैरोटीनॉइड के बारे में। भाई, कैरोटीनॉइड जो है ये ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स है, ये याद रखना। ठीक है, कैरोटीनॉइड जो है ये डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पिगमेंट है। इसके अंदर हम सिर्फ दो के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, एक है कैरोटिन और दूसरा है जेंथोफिल। अब जो कैरोटिन है ये ऑरेंज या फिर रेड कलर प्रोवाइड करता है और जो जेंथोफिल है ये येलो कलर प्रोवाइड करता है। ये भी आपने याद रखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है कैरोटिन प्रोवाइड ऑरेंज कलर, जेंथोफिल प्रोवाइड येलो कलर। ये बस तीन पिगमेंट आपने याद रखने हैं, क्लोरोफिल उसमें ए और बी, कैरोटिन और जेंथोफिल। ये जो कैरोटिन और जेंथोफिल है ये दोनों कैरोटीनॉइड की कैटेगरी में आते हैं। कैरोटीनॉइड एक बड़ा ग्रुप है पिगमेंट का, उसमें सिर्फ हम कितनों के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, दो के ऊपर। अच्छा, अब क्या लगता है आपको कि ये जो क्लोरोफिल है, जो कैरोटीनॉइड है, जितने भी कैरोटीन जेंथोफिल, ये अलग अलग होंगे या ये आपस में मिले हुए होंगे? तो बेटा, ये जो क्लोरोफिल है, ये जो दूसरे पिगमेंट कैरोटीन जेंथोफिल, ये सारे आपस में मिले हुए होते हैं।
ये मिल के बाकायदे अपना एक सिस्टम बनाते हैं, उस सिस्टम को फोटो सिस्टम कहा जाता है। तो क्लोरोफिल और दूसरे पिगमेंट्स ये आपस में मिल के एक सिस्टम बनाते हैं, उस सिस्टम को क्या कहा जाता है, फोटो सिस्टम कहा जाता है। क्लियर हो गया। अच्छा, अब ये जो फोटो सिस्टम बनता है ना, इसके होते हैं टोटल दो रीजन, आपने याद रखना है। एक को कहा जाता है एंटीना कॉम्प्लेक्स, दूसरे को कहा जाता है रिएक्शन सेंटर। आपको वर्ड से ही पता चल रहा होगा बेटा, घरों में जो हम एंटीना लगाते हैं वो किस लिए लगाते हैं, टीवी के लिए, डिजिटल के लिए जो एंटीना लगा हुआ होता है वो सिग्नल कैच कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे हम सिग्नल कैच नहीं करेंगे, यहाँ पे हम टीवी नहीं देख रहे, यहाँ पे हम डिजिटल नहीं देख रहे, यहाँ पे हम कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस। तो ये सिग्नल कैच नहीं करेगा, क्या करेगा, लाइट को कैच करेगा। क्लियर। द एंटीना कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ फ्यू हंड्रेड मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिल ए, बी एंड कैरोटीनॉइड्स। एंटीना कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको क्लोरोफिल ए भी मिलेगा, क्लोरोफिल बी भी मिलेगा और कैरोटीनॉइड्स भी मिलेंगे, यानी कैरोटीन भी मिलेगा, जेंथोफिल भी मिलेगा। क्या काम है एंटीना कॉम्प्लेक्स का, टू जस्ट कैप्चर द लाइट एंड कन्वे टू द रिएक्शन सेंटर। सिर्फ लाइट को कैप्चर करना है, कैच करना है और रिएक्शन सेंटर के हवाले कर देनी है, बस ये काम है सिर्फ एंटीना कॉम्प्लेक्स का। रिएक्शन सेंटर, ये वर्ड ही आपको बता रहा है कि रिएक्शन सेंटर में क्या होगा। रिएक्शन सेंटर के अंदर रिएक्शन होगा, जो लाइट एनर्जी होगी वो केमिकल एनर्जी में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। जो सोलर एनर्जी होगी वो ग्लूकोज में, वो फूड में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। अच्छा, अब जिस तरह से एंटीना कॉम्प्लेक्स में क्लोरोफिल ए भी है, क्लोरोफिल बी भी है, कैरोटीनॉइड भी हैं, क्या रिएक्शन सेंटर में भी ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, तो इसका जवाब नो होगा। रिएक्शन सेंटर में सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल ए के स्पेशल मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। यहाँ पे मैंने क्लोरोफिल ए से पहले स्पेशल मॉलिक्यूल का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया है कि इस क्लोरोफिल ए के साथ कुछ स्पेशल प्रोटीन्स जुड़ी हुई होती हैं, कुछ स्पेशल एंजाइम्स जुड़े हुए होते हैं जो कि केमिकल एनर्जी को, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में मदद करते हैं। तो इसलिए मैंने इस क्लोरोफिल ए का नाम क्या रख दिया है, स्पेशल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, क्योंकि इसमें स्पेशल प्रोटीन्स होंगी। आप लोग खुद देखोगे जब हम डिटेल पढ़ेंगे, स्पेशल एंजाइम्स होंगे जो के बाकायदे प्रॉपर तरीके से क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करेंगे और लाइट एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर देंगे किसके अंदर, केमिकल एनर्जी के अंदर। तो ये हमारे पास जो है वो थोड़ी बहुत डिस्कशन थी फोटोसिस्टम से रिलेटेड। उम्मीद है कि आप लोगों को ये जरूर समझ आई होगी। अच्छा, मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ कि फोटोसिस्टम दिखता कैसा है। तो इस तरह से जो है वो फोटोसिस्टम दिखता है। तो यहाँ पे आपको ये सारे के सारे, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना लाइट ग्रीन कलर के, ये जो लाइट ग्रीन कलर के मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारे के सारे क्या हैं, क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल, क्लोरोफिल बी के मॉलिक्यूल और कैरोटीनॉइड के मॉलिक्यूल। लेकिन आपको इन्हीं के बीच में एक खास किस्म का, डार्क किस्म का ग्रीन कलर का जो है वो मॉलिक्यूल नजर आ रहा है, इसका नाम है क्लोरोफिल ए। ये जो बीच में नजर आ रहा है, क्यों ये स्पेशल है, क्योंकि यहाँ पे खास प्रोटीन लगी हुई है, यहाँ पे खास एंजाइम लगे हुए हैं और यही वो रिएक्शन सेंटर है जहाँ पे आपकी लाइट एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में क्या होगी, कन्वर्ट होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आप लोगों को जरूर समझ आ गया होगा। अच्छा, इसके साथ जो थोड़ी सी मैंने आपको स्टार्ट के अंदर बात बताई कि मैंने कहा कि भाई देखो, जब क्लोरोफिल मौजूद था तो दूसरे पिगमेंट्स की क्या ज़रूरत थी, तो उसका एक जवाब तो मैं आपको दे चुका हूँ कि भाई हर लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो अपनी अपनी होती है। तो क्लोरोफिल कोई एक वेवलेंथ कैच करेगा, बाकी तो नहीं कर पाएगा। तो बाकी कौन करते हैं, कैरोटीनॉइड्स करते हैं, उसके अलावा भी ये कुछ और मदद करते हैं। तो आओ वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, इम्पॉर्टेंस ऑफ कैरोटीनॉइड्स के अंदर। ये कहता है कि कैरोटीनॉइड्स उन वेवलेंथ लाइट की उस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सकते हैं जो कि क्लोरोफिल नहीं कर सकता, है ना। मैंने कहा ना, क्योंकि क्लोरोफिल हर किस्म की तो वेवलेंथ को कैच नहीं करेगा, तो वो मदद कौन करेंगे, कैरोटीनॉइड्स करेंगे। फिर बेचारे इतने शरीफ होते हैं कि वो कैच करके लाइट फिर वो ट्रांसफर कर देंगे किसको, क्लोरोफिल ए को। अच्छा, बाज़ औक़ात कभी कभी ऐसा होता है, जैसे हमने चैप्टर नंबर 5 इंटर में मैंने बच्चों को पढ़वाया है, आप लोगों को तो पता नहीं होगा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कभी कभी लाइट की इंटेंसिटी, शिद्दत इतनी तेज होती है कि वो क्लोरोफिल को डैमेज कर देती है जब क्लोरोफिल के ऊपर पड़ती है। तो ये कैरोटीनॉइड बेचारे क्या उस पर एहसान करते हैं कि बजाय उसको लाइट दें तो वो खुद अपने आप को सर्व करते हैं और क्लोरोफिल से लाइट लेना शुरू कर देते हैं। वरना नॉर्मली इनका काम क्या होता है, नॉर्मली इनका काम होता है कि लाइट को कैच करके क्लोरोफिल को देना,
लेकिन बाज औकात जब एक्सेसिव अमाउंट में लाइट की इंटेंसिटी होती है, एक्सेसिव अमाउंट में जब लाइट होती है तो वो क्लोरोफिल को डैमेज कर देती है। इस डैमेज से बचने के लिए ये बेचारे क्लोरोफिल को लाइट देना बंद कर देते हैं और उससे लाइट लेना शुरू कर देते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, सो इंस्टीड ऑफ ट्रांसमिटिंग लाइट सम कैरोटीनॉइड्स एक्सेप्ट लाइट फ्रॉम द क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल से लाइट लेना शुरू कर देते हैं कि भाई इंटेंसिटी ज्यादा है, आप हमें दो, कहीं आप डैमेज ना हो जाओ, आप इंपॉर्टेंट हो, हम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फोटो रिसेप्शन कहा जाता है। क्लियर? तो ये फोटो रिसेप्शन वाली टर्म भी आपको पता चल गई कि जब कैरोटीनॉइड क्लोरोफिल से लाइट लेना स्टार्ट कर दें बजाय देने के, क्योंकि लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है, लाइट की ड्यूरेशन ज्यादा है इस वजह से। अच्छा, नोट के अंदर एक छोटी सी बात लिखी हुई है कि अगर आपको कोई प्लांट ग्रीन नजर आता है तो आप क्या समझते हो कि उसके अंदर सिर्फ क्लोरोफिल है? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होता। दैट डजंट मीन कि उसके पास सिर्फ क्लोरोफिल है, उसके पास क्लोरोफिल के साथ दूसरे पिगमेंट भी मौजूद हैं, लेकिन क्लोरोफिल की अमाउंट इतनी ज्यादा होती है कि उसने जो है वो दूसरे पिगमेंट्स को क्या किया हुआ होता है, छुपाया हुआ होता है, ये एक मास्क किया हुआ होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्लांट अल्सो पजेस अदर पिगमेंट्स अलोंग विद द क्लोरोफिल बट द अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल इज कंपैरेटिवली हायर देन द अदर पिगमेंट्स, लेकिन जो क्लोरोफिल की अमाउंट होती है वो दूसरे पिगमेंट से ज्यादा होती है, तो इसलिए दूसरे पिगमेंट को जो क्लोरोफिल है वो आसान तरीके से मास्क कर जाता है। इसी तरह से अभी आम का सीजन चल रहा है, शुरू में जब आप केरी देखते हो वो ग्रीन कलर की होती है, अगर आप उसको ये कहो कि इसके अंदर सिर्फ क्लोरोफिल है तो वक्त गुजरने के साथ वो ग्रीन से फिर येलो कलर कैसे बन जाता है, बाज़ औक़ात रेड कलर कैसे बन जाता है, थोड़ा सा लाइट ब्लू कलर उसका कैसे बन जाता है, सोचने वाली बात है। इट मीन्स कि उसके अंदर ये पिगमेंट मौजूद हैं लेकिन क्लोरोफिल की अमाउंट ज़्यादा होती है। तो जैसे आम पकने लगता है, फ्रूट पकने लगता है, तो क्लोरोफिल की अमाउंट कम होती जाती है, फिर जिसकी भी ज़्यादा होगी, अगर येलो की ज़्यादा होगी तो येलो प्रोमिनेंट हो जाएगा, रेड की ज़्यादा होगी तो रेड प्रोमिनेंट हो जाएगा, ब्लूइश ग्रीन होगी, येलोइश ग्रीन होगी, जो होगा वो प्रोमिनेंट हो जाएगा। क्लियर? तो उम्मीद है कि आज का टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो है कुछ लाइट का रोल है, कार्बन डाइऑक्साइड का रोल है, वाटर का रोल है, उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, फिर हम बाकायदे से फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।